बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड रिड्यूस्ड सिलेबस 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज। इसका कौन सा टॉपिक कर रहे थे हम? कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। उस कंपैरिजन का पार्ट 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए और बुक भी खोल लीजिए और मुस्कुराते भी रहिए, ठीक है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो लाजमी पार्ट 1 देख लीजिए भाई, लाजमी। सारी तफसील पार्ट 1 के अंदर होती है, इसको मत भूलिए। और बुक का पेज नंबर 60 खोल लीजिए, पूरा का पूरा टेबल मौजूद है, ठीक है। ये टेबल ही मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सारी क्रीम है ये इसकी। इस टेबल के अंदर कितने पॉइंट हैं बारी बारी मैं एक्सप्लेन करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 17 पॉइंट्स हैं। कितने हैं? 17 पॉइंट्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है? फर्स्ट पॉइंट है इसका हमारे पास न्यूक्लियस का, और लास्ट पॉइंट हमारे पास इसमें क्या है? फ्लैजिला का। 17 जो है फ्लैजिला, ठीक है भाई। अच्छा, इसको कंपैरिजन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा लिया गया? प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा लिया गया? क्योंकि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो दो ही कैटेगरी के हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। उन्हीं को लिया गया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एलजी भी कहते हैं, ठीक है। ये दो कैटेगरीज जो हैं वो प्रोकैरियोट्स की हैं। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास एलजी भी है, फंजाई भी है, एनिमल्स भी हैं, प्लांट भी हैं, लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास एलजी फंजाई को नहीं लिया गया, बल्कि एनिमल्स एंड प्लांट्स को लिया गया। समझ आ गई बात? ये क्या है हमारे पास? ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ये तीसरी हेडिंग है। हेडिंग्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेलुलर स्ट्रक्चर्स मतलब वो चीज़ें जो सेल में पाई जाती हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर्स मतलब वो चीज़ें जो कि सेल में पाई जाती हैं, वो सब यहाँ पर आ जाएंगी वन बाय वन। जैसे कि पहला न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पर ये न्यूक्लियस आ गया, ये हमारे पास हो गई एग्जाम्पल। सेलुलर स्ट्रक्चर में कौन सी एग्जाम्पल आप ले रहे हैं? आप सबसे पहले न्यूक्लियस को ले रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा कंपेयर कर रहे हैं हम इसके अंदर के सेलुलर स्ट्रक्चर, तो बहुत सारे हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, स्मॉल छोटी छोटी बॉडीज जो कि पाई जाती हैं। वो कितनी किस्मों की हैं? 7-8-10 किस्मों की हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब के सब सेलुलर स्ट्रक्चर में आएंगे। इसमें पहला सेलुलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का लिया है हमने। अब इसको कंपेयर करेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया के पास कैसा है, और एनिमल्स एंड प्लांट्स जो कि यूकैरियोटिक हैं, इनके पास न्यूक्लियस कैसा है, ठीक है। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो कि क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल हैं, और यूकैरियोटिक में हमारे पास एनिमल और प्लांट्स सेल है। इनके न्यूक्लियस में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला फ़र्क यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि उसने बताया विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब इसका क्या हुआ कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस तो है लेकिन उसकी मेम्ब्रेन नहीं है। आपको याद है पार्ट 1 के अंदर मेम्ब्रेन में तफसील से डिस्कस कर चुका हूँ। मेम्ब्रेन वर्ड का मतलब आप आसान से ये समझ लीजिए, अगर मेम्ब्रेन वर्ड आपको याद रखना है कि ये मेम्ब्रेन वर्ड बार बार आता है, इसका मतलब क्या है? आपकी ये जो स्किन है ना, आप इस स्किन को देख लें, ये आपकी स्किन, आपकी पूरी बॉडी जो है वो पूरी की पूरी सर से लेकर पैर तक एक रैपर में ये क्या है? रैपर है आपकी स्किन, असल में एक रैपर है, रैपअप हुई हुई है, लिपटी हुई है आपकी पूरी बॉडी इस स्किन के अंदर। बिल्कुल मेम्ब्रेन जब भी आए तो इसको रैपर या स्किन से समझ लीजिएगा। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके इर्द गिर्द भी एक रैपर है, एक स्किन है, एक कवरिंग है, एक पाउच है, ठीक है।
जिसने न्यूक्लियर मटेरियल को होल्ड किया हुआ, संभाला हुआ है, ठीक है। इस ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, समझ आ गई बात। पार्ट वन इसीलिए कह रहा हूँ, पार्ट वन देखें, उसमें तफसील से बात मैंने खास तौर पे ये चीज़ समझाई है। तो विदाउट मेम्ब्रेन यहाँ पर इसकी मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस की बात आ रही है तो उसकी बात हो रही है। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के पास जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। एनिमल और प्लांट्स के पास जो है वो ये बता रहा है मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन जो है वो, मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब है मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। ये पहला फ़र्क निकल आया हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया और एनिमल और प्लांट सेल के दरमियान न्यूक्लियस का जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर है उसका फ़र्क क्या है। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया के पास जो न्यूक्लियस है उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और एनिमल और प्लांट सेल जो हैं इनके पास क्या है, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसी वजह से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से ही शेप जो है वो ट्रू नज़र आती है किसकी, यूकैरियोटिक सेल की। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है उसकी कोई शेप नज़र नहीं आती, क्योंकि वो पाउच, वो रैपर वो है ही नहीं, वो स्किन है ही नहीं जो कि इस न्यूक्लियर मटेरियल को संभाल सके। अब आगे चलते हैं, आगे इसमें और क्या बात की गई। अब ये तीन कॉलम्स की हेडिंग याद रखिएगा, 17 पॉइंट है, अभी एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बुक लाजमी खोल के रखें, पेज नंबर जो है वो कौन सा है हमारे पास, इसमें पेज नंबर 60 पे है ये मौजूद, ठीक है भाई। दूसरा सेलुलर स्ट्रक्चर कौन सा है, दूसरा सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर का मतलब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, इसका मतलब है तादाद। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो कितनी है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। इसमें लिखा हुआ है 1 बट नॉट ट्रू, इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है बट नॉट ट्रू, बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम तो है, दो बातें बोली हैं उसने, क्रोमोसोम तो है, कितने हैं, एक ही है, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है भाई। यानी कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी, एक है। लेकिन ये जो क्रोमोसोम है ये एक्चुअल क्रोमोसोम नहीं है जैसे कि क्रोमोसोम नॉर्मली होता है, कुछ मिसिंग है इसके अंदर। क्या है मिसिंग, ये तो आगे तफसील आती रहेंगी। उसके बाद मोर देन वन, अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखें, यूकैरियोटिक सेल यानी कि एनिमल सेल और प्लांट को देखें तो मोर देन वन ये क्रोमोसोम होते क्या हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड की तरह के, धागों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही है और वो भी ट्रू नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक से ज़्यादा होते हैं। ये दूसरा चीज़ हमारे पास आ गई। तीसरी चीज़ उसने क्या बताई है यहाँ पर, ये दूसरी चीज़ भी, दूसरा सेलुलर स्ट्रक्चर जो है ये भी निमट गया। तीसरा बता रहा है नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स की तादाद, इसको भी ज़रा देख लें, सेल्स की तादाद। ये तीसरा पॉइंट आ गया, इसमें क्या बात कर रहा है, यूनिसेलुलर, ये जो यूनिसेलुलर, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है यानी कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर है, ये एक ही सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। यूनि का मतलब होता है वन, जबकि ये क्या है, यहाँ पर ये यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है, बोथ में लिख रहा हूँ, यहाँ दोनों हैं। यूकैरियोटिक सेल जो हैं ये हमारे पास यूनिसेलुलर में भी हैं और मल्टीसेलुलर में भी हैं। उसके बाद नंबर फोर पॉइंट जो है इसमें क्या बात कर रहा है, ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसका क्या मतलब हुआ, ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये चौथा पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये ऑर्गेनल्स क्या है, सेल के अंदर स्मॉल बॉडीज पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर भी और न्यूक्लियस के अंदर भी, ठीक है। तो उनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं,
जितनी स्मॉल बॉडीज जो हैं वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ठीक है, ये इसके अंदर न्यूक्लियोसोम होता है अंदर, सॉरी न्यूक्लियोसोम नहीं बल्कि एक नाम है मुझे याद नहीं आ रहा अभी, न्यूक्लियस के अंदर भी। तो ये इन सब को ऑर्गेनल्स कहा जाता है, सेल ऑर्गेनल्स, याद रहे, सेल ऑर्गेनल्स स्मॉल बॉडीज फाउंड इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। क्या ये स्मॉल बॉडीज जो हैं साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जांपल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या इनके गिर्द भी मेम्ब्रेन है? क्या ये भी रैपअप हुए हैं? क्या इनके गिर्द भी कोई स्किन है, कोई रैपर है, कोई मेम्ब्रेन है? जी बिल्कुल, सारी चीज़ें सेल के अंदर जो है वो ऐसे बिखरी हुई पड़ी नहीं है बल्कि इनको रैपअप किया गया है, इनकी सबकी स्किन मौजूद है, न्यूक्लियस की भी स्किन मौजूद है, सेल ऑर्गेनल्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, सबकी स्किन मौजूद है, सेल की खुद की स्किन मौजूद है, ठीक है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनल्स तो हैं, तो क्या उनके गिर्द मेम्ब्रेन भी मौजूद है? आगे वो कह रहा है एब्सेंट, याद रहे उसने सेल ऑर्गेनल्स का नहीं कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल साइनोबैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर ऑर्गेनल्स ही नहीं है, नहीं उसने ये नहीं कहा, उसने कहा ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनल्स जिनकी मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट, ठीक है भाई, यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सबकी मेम्ब्रेन मौजूद है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। पांचवा पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है, लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम, एंड पेरोक्सिसोम, ये क्या है, ये भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ये भी लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स ये भी सेल ऑर्गेनल्स हैं। आगे जब हम तफसील पढ़ेंगे पूरे सेल की, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स की, तब इनको डिस्कस करेंगे। क्या ये मौजूद हैं? ये उसने लिखा है ये एब्सेंट है भाई, ये क्या है, ये एब्सेंट है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में ये एब्सेंट है, इसमें नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये मौजूद है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर ये लाइसोसोम या पर ऑक्सीसोम ये मौजूद होते हैं, ठीक है। पांच पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं, 17 पॉइंट हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस हो सकें। छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट इसमें क्या है, छठा पॉइंट, छठा पॉइंट आपकी बुक के अंदर है माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ये भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ये होते क्या हैं, इनकी तफसीलात क्या है, सब आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ ये देखें कि यहाँ पर इनकी मौजूदगी की क्या पोजीशन है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइक्रो ट्यूब्यूल्स या तो मुकम्मल एब्सेंट और रेयर, अगर हैं भी तो रेयर का मतलब होता है नायाब, खालिस उर्दू में इसको कहा जाता है नायाब, नायाब मतलब जो कि बहुत कम अवेलेबल हो, बहुत प्रीशियस हो, बहुत कम हो, तो या तो हैं ही नहीं माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में, अगर मौजूद हैं तो बहुत ही कम है, ठीक है, किसी किसी में मौजूद है, और इसमें प्रेजेंट हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ये प्रेजेंट है, ठीक है भाई। सातवां देखें सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, EPR कर दिया मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको लिखना बड़ा मसला है, इतना बड़ा नाम है इसका, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखें ज़रा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एब्सेंट है, होते ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया के सेल में और साइनोबैक्टीरिया के सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते ही नहीं है। यहाँ पर क्या पोजीशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, प्रेजेंट, ये मौजूद होते हैं, ये क्या है, इनका पूरा नेटवर्क बना होता है, जैसे शहरों में सड़कों का जाल बिछा हुआ होता है ना, ठीक है, रोड्स नेटवर्क, बिल्कुल इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनका पूरा नेटवर्क सड़कों की तरह जाल बिछा हुआ होता है, ये आगे तफसील सब आएगी।
उसके बाद हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया आठवां आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्या है? ये भी सेल ऑर्गेनल है। ये क्या मौजूद है? माइटोकॉन्ड्रिया ये एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ये एब्सेंट है, बैक्टीरिया में नहीं होते, साइनोबैक्टीरिया में नहीं होते, और ये प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में, क्योंकि वो यूकैरियोटिक सेल है। नाइन पे हमारे पास क्या है? नाइन में हमारे पास है राइबोसोम्स, ये भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, स्मॉल बॉडीज हैं। कहाँ पाई जाती हैं? साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। राइबोसोम्स यहाँ पर लिखा हुआ स्मॉलर 70S। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको ये क्या चक्कर। राइबोसोम्स जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद तो हैं लेकिन स्मॉलर 70S हैं। अब ये 70S क्या है ये बताता हूँ। जबकि यूकैरियोटिक सेल में एनिमल और प्लांट सेल के अंदर राइबोसोम्स लार्जर 80S। साइज का बताया कि मौजूद तो हैं राइबोसोम्स लेकिन स्मॉलर हैं और यूकैरियोटिक सेल में लार्जर है। साइज भी बताया आगे। अब स्मॉलर और लार्जर अगर बताना होता तो भाई डिस्टेंस में बता देते, हम यही बताते हैं ना कि आप इसका इस ये मैं कहूँगा ये इसके मुकाबले में, बोर्ड के मुकाबले में मार्कर छोटा बड़ा है, तो मैं डिस्टेंस में बात करूँगा कि ये जो है वो सपोज करें 1 मीटर का है तो ये 4 मीटर का है। तो यहाँ तो मीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर ऐसे कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। बोला स्मॉलर है और 70S है, लार्जर है ये 80S है। ये S क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको, ये सुन लीजिए आप। S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग्स। S का क्या मतलब है? स्वेडबर्ग्स, स्वेडबर्ग्स इनको कहते हैं। अ यूनिट यूज्ड टू मेजर हाउ फास्ट मॉलिक्यूल्स मूव इन अ सेंट्रीफ्यूज। ये स्वेडबर्ग क्या बताया उसने? बोला ये यूनिट है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है हाउ फास्ट मॉलिक्यूल्स मूव इन सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज। अब ये अजीबोगरीब शराब चीज़ लेके आ गए। अभी ये क्या मुसीबत है? राइबोसोम्स मौजूद तो हैं 70S और ये लार्जर 80S, इसका क्या मतलब हुआ? एस का मतलब स्वेडबर्ग हो गया और ये क्या है? ये क्या है? ये यूनिट है स्वेडबर्ग। तो ये यूनिट क्या बता रहा है? किलोग्राम भी एक यूनिट है आपको पता है, ये क्लियरली आपको वजन के बारे में बता रहा है, ठीक है। सेकंड भी एक यूनिट है, ये आपको टाइम के बारे में बता रहा है। मिनट भी एक यूनिट है, ये भी आपको टाइम के बारे में बता रहा है। किलोमीटर भी एक यूनिट है, ये आपको डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। स्वेडबर्ग एक यूनिट है तो ये किसके बारे में बता रहा है? बोल रहा है इसकी मदद से आप मेजर कर सकते हैं क्या, हाउ फास्ट मॉलिक्यूल्स मूव इन सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या है? एक डिवाइस होती है, ठीक है। इस डिवाइस के अंदर आप सारे मॉलिक्यूल्स डाल दें और इसको चला दें, स्विच ऑन कर दें, इसको स्विच ऑन कर दें, प्लग लगा के इसका स्विच ऑन कर दें, इसमें सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप डाल दें, उसके बाद इसको चला दें। अब यहाँ जो आपने मॉलिक्यूल्स डाले हैं उनका साइज छोटा बड़ा भी होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स वजनी होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स इतने वजनी नहीं होते, समझ आ रही है बात? वो हल्के होते हैं, कुछ हैवी होते हैं, कुछ लाइट इन वेट होते हैं। तो जब ये सेंट्रीफ्यूज घूमता है तो क्या होता है? इसके अंदर वजनी चीज़ें जो है वो बाहर की तरफ आ जाती हैं, वजनी चीज़ें बाहर की तरफ आ जाती हैं, कॉर्नर पे जमा होना शुरू हो जाती हैं। उससे हल्की चीज़ें होती हैं वो यहाँ जमा होना शुरू हो जाती हैं, उससे हल्की चीज़ें होती हैं यहाँ यहाँ यहाँ। मतलब ये जब घूम रहा होता है तो मॉलिक्यूल्स भी घूम रहे होते हैं और मॉलिक्यूल्स घूमते घूमते अपने वजन के हिसाब से बाउंड्री पे चले जाते हैं, उससे थोड़ा पीछे हो जाते हैं, उससे थोड़ा पीछे हो जाते हैं, उससे थोड़ा पीछे हो जाते हैं, समझ में आ गई बात? जब लाइसोसोम्स इनको, राइबोसोम्स को सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है, ठीक है, इनके भी प्रोकैरियोटिक सेल के भी राइबोसोम्स और यूकैरियोटिक सेल के भी राइबोसोम्स इनको डाला जाता है, सेंट्रीफ्यूज को चलाते हैं, सेंट्रीफ्यूज घूमता है, तो उसके बाद फिर पता लगता है कि यहाँ पर जो लार्जर वाले हैं वो बीच में है। कैसे पता है कि वो बीच में है? बीच में मौजूद है। उसकी वजह ये है कि उनका वजन ज़्यादा है, वो बड़े हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज मशीन ही ये काम करती है, ठीक है भाई।
अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर दूँ, मुझे जहन में ये सही तरह याद नहीं आ रहा, सेंट्रीफ्यूज जो है वो बाउंड्री की तरफ लेके जाती है बड़े मॉलिक्यूल्स को, वजनी मॉलिक्यूल्स को, या छोटे मॉलिक्यूल्स को? मैं यहाँ एडमिट कर रहा हूँ, ठीक है, कमेंट में ज़रा मुझे क्लियर कर दीजिएगा। जहाँ मुझे डाउट होता है ना, वहाँ मैं स्टूडेंट्स को बोल देता हूँ, भाई देखें मुझे यहाँ डाउट हो रहा है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आपको टास्क मैंने दे दिया है, कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। तो ये सेंट्रीफ्यूज जब चलता है तो हैवी मॉलिक्यूल्स जो हैं, मैं जो कह रहा हूँ, हैवी मॉलिक्यूल्स सेंटर में ही घूमते रहते हैं, और जो लाइट इन वेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाउंड्री पे चले जाते हैं, ये मेरा कहना है। हो सकता है इससे अपोजिट बात हो, ठीक है भाई, शायद मैंने नोट की हो इसको लेक्चर बनाते हुए, देख लेता हूँ। अ डिवाइस यूज टू सेपरेट वेरियस कंपोनेंट्स बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर, यहाँ पर ये हैवी और लाइट का नहीं लिखा गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। तो बहरहाल इन अ नटशेल अगर बात करें, यहाँ पर हमें जो है वो, अगर आप इसमें राइबोसोम्स को डालेंगे और जब ये घूमेगी, तो सपोज कर लेते हैं कि लाइट हल्के वजनी हल्के जो हैं वो राइबोसोम्स वो बाहर की तरफ चले जाएंगे, और जो वजनी राइबोसोम्स होंगे वो सेंटर की तरफ आ जाएंगे। बात समझ आ रही है आपको? अब जब इनके राइबोसोम्स डाले गए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स एक जगह जमा करके इसमें डाले गए और उस मशीन को चलाया गया, तो ये देखा गया कि अब इसमें से हल्के कौन से हैं, लार्जर कौन से हैं, वो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स बीच में ही रहे, ठीक है, वजनी थे भारी थे वो बीच में ही रहे, और जो हल्के थे स्मॉलर थे वो बाउंड्री पे आ गए। जिस रफ्तार से ये गए और आए, मशीन चलती है तो इनकी मूवमेंट होती है ना, ठीक है, राइबोसोम्स मूव करेंगे, तो इनकी जो रफ्तार होगी, जो इनकी स्पीड होगी, कि कितनी तेजी के साथ ये जा रहे हैं, कितनी तेजी के साथ लाइट राइबोसोम्स हल्के राइबोसोम्स बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, ये सेंट्रीफ्यूज के यहां घूम रहे हैं, और कितनी तेजी के साथ जो है वो हैवी राइबोसोम सेंटर की तरफ आ रहे हैं, इस स्पीड को मेजर किया जाता है स्वेडबर्ग्स में, इस यूनिट में, इस रफ्तार से जा रहे हैं, समझ में आ गई बात? तो ये स्मॉलर है क्योंकि इनका 70 स्वेडबर्ग इनका है प्रोकैरियोटिक सेल का, ये स्मॉलर है, ये छोटे हैं, ठीक है, और ये जो है इनका 80 स्वेडबर्ग है, ठीक है, बस इतना काफी है अभी आप लोगों के कैलिबर के लिए, 9th का है। अब आगे चलते हैं, 10 पॉइंट क्या है, 10 पॉइंट क्या है? अब देखें याद तो आपने करना होगा ना, अब ये आ जाएगा आपके सामने, ये 70S क्या है, 80S क्या है, फिर टेंशन होगी पता नहीं, तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास 10वां जो है वो वेसिकल्स का है, वेसिकल्स को देखते हैं, ये भी क्या है, वेसिकल्स क्या है, ये भी सेल के अंदर पाई जाने वाली स्मॉल बॉडीज यानी कि सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या पोजीशन है इनकी, प्रेजेंट ये मौजूद है, वेसिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, और ये यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, ठीक हो गया भाई। 11 जो है इसके अंदर हमारे पास वो है गॉल्जी अपरेटस, गॉल्जी अपरेटस, ये क्या है गॉल्जी अपरेटस, ये भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, स्मॉल बॉडीज हैं, साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। गॉल्जी अपरेटस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है। कोई आपसे पूछता है कि बैक्टीरिया में कितने गॉल्जी अपरेटस हैं, आप बोले एब्सेंट है, ये होते ही नहीं है बैक्टीरिया में ना साइनो बैक्टीरिया में, ये प्रोकैरियोटिक है, और ये प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में, क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों क्या हैं, वो यूकैरियोटिक है। उसके बाद हमारे पास क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, ये क्या है, ये भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, ये भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, स्मॉल बॉडीज हैं, साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं, ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में एब्सेंट है, ये मौजूद नहीं है, ठीक है भाई, और प्रेजेंट है यहां पर यूकैरियोटिक सेल, लेकिन प्लांट सेल, प्लांट सेल, अब एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक सेल है, दोनों को हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो किसमें मौजूद होता है, सिर्फ प्लांट सेल में, ठीक है, ओनली, ये याद रहे। अच्छा 12 हो गए पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स रह गए,
अब हम आगे इसको और डिस्कस करते हैं। मिटा दूं इसको। थर्टीन पॉइंट आपकी बुक का क्या है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरॉइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरॉइड। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लेकिन कुछ सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऐसी होती हैं जिनमें स्टेरॉइड होता है। ये क्या है अभी इसकी तफसील तो फ़िलहाल मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता, इस पर मैंने कोई वर्क नहीं किया। ये आगे चल के जब डिस्कशन होगी तो बताऊंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरॉइड, ठीक है। ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया के पास है या नहीं है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। यूजुअली नो, आमतौर पर ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसमें स्टेरॉइड हो वो प्रोकैरियोटिक सेल में आमतौर पर नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर यस ये मौजूद होती है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरॉइड मौजूद है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास अगला पॉइंट 14 जो है वो कह रहा है परमीएबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परमीएबिलिटी वर्ड निकला है परमिशन से। मेम्ब्रेन, देखिए मेम्ब्रेन का जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। मेम्ब्रेन जो है ना, जिस तरह घर में मेन गेट होता है, आपको घर में आना जाना है तो आप छत से थोड़ी ना जाएंगे, खिड़की से थोड़ी ना जाएंगे, चोरों का काम है। आपने घर में जाना है तो आप मेन गेट से जाएंगे, आप डोर से जाएंगे, दरवाजे से जाएंगे, सदर दरवाजे से जाएंगे। तो मेम्ब्रेन जो है कोई सी भी हो उसके अंदर छोटे छोटे दरवाजे बने हुए होते हैं जिनमें से चीज़ें आती जाती हैं, चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ठीक है। लेकिन सब चीज़ें सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कोई सी भी मेम्ब्रेन है, उनके अंदर जो दरवाजे बने हुए हैं, छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, उनमें से सारी चीज़ें आ जा नहीं सकती। ये जहन में रखें आप। कुछ चीज़ों को तो मेम्ब्रेन अलाउ करती हैं और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती। इसी से निकलता है परमीएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन कि कितनी परमिशन दे रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हो रही है यहाँ पर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउ कर रही है, परमिशन दे रही है? क्या ऐसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? तो नॉट प्रेजेंट, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो इजाज़त कहाँ से मिलेगी भाई? प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो इजाज़त का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन यहाँ पर यस, ये मौजूद है और ये परमिएबल होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो एनिमल सेल और प्लांट सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसमें होल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और उनमें से साइटोप्लाज्म से चीज़ें न्यूक्लियस में जाती हैं, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आती हैं। 15 पॉइंट क्या है? 15 पॉइंट कह रहा है वैक्यूल्स। ये क्या है? ये भी स्मॉल बॉडीज हैं जो कि किसमें पाई जाती हैं? साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। सेल ऑर्गेनल है ये भी, टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल, इसकी तफसीलात आगे पढ़ेंगे। ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट और एनिमल और प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट मौजूद होते हैं, ये वैक्यूल्स। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में वैक्यूल्स की पोजीशन कुछ इस किस्म की होती है कि एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं और प्लांट सेल के अंदर एक ही सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल होता है, बीच में बहुत बड़ा सा। 16 पे आ जाइए। और इनफैक्ट प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में तो होते ही नहीं हैं ये वैक्यूल्स। 16 बोल रहा है सेल साइज। सेल का साइज भी ज़रा देखें। साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया का सेल का साइज एक से लेके 10 माइक्रोमीटर तक। ये माइक्रो का सिंबल है, ग्रीक लेटर है माइक्रो। 1 से 10 माइक्रोमीटर तक सेल का साइज होता है बैक्टीरिया के या साइनोबैक्टीरिया के, ठीक है भाई। जबकि एनिमल सेल जो है और प्लांट सेल इससे बड़े होते हैं, इनका साइज 1 से लेके 1000 माइक्रोमीटर तक होता है।
ठीक है, आखिरी पॉइंट फ्लेजिला, फ्लेजिला 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 सेलुलर स्ट्रक्चर तो है लेकिन ये सेल ऑर्गेनल नहीं है, ठीक है। स्मॉल बॉडी इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये सेल ऑर्गेनल की डेफिनेशन है। तो ये नहीं है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं ये? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपके बाल हैं ना, एक बाल ले लीजिए, ठीक है, बाल की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, बाहर होते हैं। इनका काम होता है मूवमेंट का। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास ये लगा होता है, जैसे कि बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो ये फ्लेजिला लगे हुए बाल की तरह के, ये मूव करते हैं तो इनकी मदद से बैक्टीरिया और इसी तरह के दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये टांगे हैं, ये समझ लें आप, ठीक है। तो फ्लेजिला जो है वो पहली बात आगे उसने क्या बोली, सब माइक्रोस्कोपिक इन साइज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन फाइबर। पहली बात ये कि सब माइक्रोस्कोपिक इन साइज है, सब माइक्रोस्कोपिक इन साइज, यानी कि माइक्रोस्कोप, सब माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो होती है, लाइट माइक्रोस्कोप जो होती है हमारी लैब में जो रखी होती है, उनसे ये नज़र नहीं आएगा फ्लेजिला आपको। इसके लिए आपको हैवी माइक्रोस्कोप चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे आपको ये फ्लेजिला नज़र आएगा। तो पहली बात तो उसने इसके साइज़ का बताया है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल और साइनोबैक्टीरिया में और बैक्टीरिया के अंदर ये फ्लेजिला मौजूद है। तो ये जो है वो इसका साइज क्या है? सब माइक्रोस्कोपिक इन साइज है। बैक्टीरिया तो आपको नज़र आ जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, लाइट माइक्रोस्कोप से, आपके लैब में जो रखी हुई उससे नज़र आ जाएगा बैक्टीरिया, लेकिन उसका फ्लेजिला जो है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये नज़र नहीं आएगा, ये सब माइक्रोस्कोपिक। इसके लिए हैवी माइक्रोस्कोप चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आगे एक और बात क्या कह रहा है इसके अंदर, कंपोज्ड ऑफ ओनली वन फाइबर। कंपोज्ड का मतलब है बना हुआ होना, कंपोज्ड ऑफ ओनली वन फाइबर। फाइबर का मतलब क्या होता है? फाइबर का मतलब होता है थ्रेड, यहां लिख रहा हूं मैं, ऊपर नीचे जगह नहीं है। ये फाइबर का मतलब होता है, मतलब धागे। हालांकि ये खुद हेयर की तरह का स्ट्रक्चर है, ये मजीद आगे कुछ धागों से मिलके बनता है, ठीक है, कुछ मजीद थ्रेड से मिलके बनता है, कुछ मजीद फाइबर से मिलके बनता है। एक फ्लेजिला जो है वो दो फाइबर से मिलके ही बन सकता है, 10 फाइबर से मिलके ही बन सकता है, 50 फाइबर से मिलके ही बन सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया के पास जो फ्लेजिला है वो सब माइक्रोस्कोपिक है। दूसरा ये कि वो बना हुआ होता है सिर्फ एक ही फाइबर से, ओनली वन फाइबर से, एक धागे से बना हुआ, ठीक है। और हमारे पास ये जो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर है, माइक्रोस्कोपिक इन साइज, ये सब माइक्रोस्कोपिक नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक इन साइज है, मतलब आप इसको आसानी से कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए भी देख सकते हैं, लैब में जो रखी हुई है, माइक्रोस्कोपिक इन साइज है एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर फ्लेजिला का क्या काम? आपके जहन में फौरन ये बात आ रही होगी, भाई याद रहे यूकैरियोटिक सेल के अंदर, एनिमल और प्लांट सेल के अंदर यूनिसेलुलर सेल भी हैं जी, ये मत भूलिएगा। एनिमल्स से आपके जहन में फौरन बड़े बड़े एनिमल्स आ रहे होंगे, नहीं, वो मल्टी सेलुलर हैं, यूनिसेलुलर एनिमल लाइक हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम, अमीबा, इसी तरह, अमीबा के पास तो ये खैर नहीं है, इसी तरह और बहुत सारे ऐसे यूकैरियोटिक सेल हैं जो एनिमल जैसे हैं या प्लांट जैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं, उनके पास ये फ्लेजिला होता है, ठीक हो गया। तो ये माइक्रोस्कोपिक इन साइज है, आप आसानी से कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दूसरी बात, मेम्ब्रेन बाउंड उसने कहा, इसके इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है, स्किन होती है, रैपिंग हुई हुई होती है, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जो चीज़ें मुझे आती थी वो मैंने बता दी, जो चीज़ें नहीं आती थी भाई वो साफ बोल दी आपको, इसका मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा, जहाँ कन्फ्यूजन थी वहाँ भी आपको बता दी, ठीक है, क्या, ताकि आप खुद थोड़ी, जैसे वो सेंट्रीफ्यूज वाले में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, मैंने क्लियरली आपको बता दिया। वीडियोस एडिट करना और ये काटा पीटी करना ये मुझसे नहीं होता, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता इन चीज़ों के लिए, मैं तो वीडियो बनाता हूँ, कंप्रेस करता हूँ और अपलोडिंग पे लगा देता हूँ, दैट्स इट। तो ये कमेंट में मुझे आप बताइएगा, सेंट्रीफ्यूज का ये आपका टास्क है, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। ये हमारा कंपेरिजन वाला निमट गया, इसके बाद हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं, ठीक है। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।